और कितना टाइम देती है आप? थ्री टू फाइव डेज। अच्छा मुझे एक बात बोलिए, सिलसिला से जो हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज करे ओके कहीं के लिए करें और ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? नहीं, वहाँ लाइनर फॉलो करा, ठंडा के भेज दिया वहाँ से। मैंने क्या किया, वो मोबाइल स्विच ऑफ करा के खा लेते हैं। ओके सिक्स फ्लोर में। हाँ जो 27 अक्टूबर राजन्ना सिरसिला में एक 7 साल की बच्ची का रेप हुआ, जिसके अंदर जो रेपिस्ट, जो दरिंदा, जो हैवान, उसका नाम शंकर, उसकी बीवी माँ की सरपंच है, ये लोग जो है, ये जो लड़की का नाम श्री है, अभी उनके वालिद और उनके वालदा से मैं बात करा, वो लोग शंकर के घर में टेनेंट है। और जब लोग ये लोग काम पे गए, ना लीगल और टेक्निकल गड़बड़ नहीं होना, क्योंकि कानून में अगर से सजा मिलना तो कदम सही चलना, तो हमारे को पुलिस से भी ये उम्मीद है कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर चार्जशीट फाइल करेंगे, और ये दरिंदा और जो ये हैवान है और ये जो कुत्ता है, इसको सही सजा दिलाना। और मैं केटीआर से ये बात बोल रहा हूँ, केटीआर साहब, तुम्हारे बाबा तो नशे में रहते, कभी भी हवा में रहते, तुम कभी भी उड़ते रहते, अब बोले तो दुबई, लंदन, स्पेन, रशिया बोलते, जमीन पे आओ, आज इलेक्शन का रिजल्ट देखे, तुम 3,000 करोड़ खर्चा करे बाद भी आज तुम हार गए, तो बाप बेटे तानाशाही छोड़ो, जमीन के ऊपर आओ। और मेहरबानी करके आईटी मिनिस्टर को बोल रहा हूं, तुम्हारे नाक के नीचे रेप हुआ, अब तक तुम्हारी टीआरएस पार्टी से कहीं को नहीं आया कोई नीलोफर में, अगर से वाकई में तुम्हारे तेलंगाना का दर्द होता और वाकई में तुम समझते कि तेलंगाना मेरी फैमिली है, जो स्पीचों में तुम लोग बहुत बकवास करते हैं, आज नीलोफर को क्यों नहीं आए, आके क्यों नहीं बोले, आंदरी कार्ड बराबर अंडर ट्रायल कराते, बराबर फांसी देते, हम आपसे वादा कर रहे हैं, कहीं को नहीं आए सब तुम्हें अब तक। मेहरबानी करके जल्दी आओ, तेलंगाना की बच्ची है आपकी और हमारी बेटी है, आज पूरा तेलंगाना देख रहा आप क्या इंसाफ करते, बंगारू तेलंगाना तो बोल दिए, भिखारी तेलंगाना तो बना दिए, आपका रेपिस्ट तेलंगाना बनाते, ड्रग्स में तो पूरा तेलंगाना हो गया, प्यूर तेलंगाना तो तुम बना दिए, पहले 2 पैक पीते थे आज फुल बॉटल पी रहे तुम्हारे राज में, ये पीपी के ड्रग्स लेके हरकत हो रही। मेहरबानी करके आओ नीलोफर, आके वो ड्रामा छोड़ो, प्रेस पे बैठ के ड्रामे करना, जय कांग्रेस। तो ये शंकर चॉकलेटों की आज देकर ये 7 साल की लड़की के साथ एक घिनौनी घर कर सका, जब माँ बाप घर को आते तो बच्ची की हालत देख के, बच्ची की बॉडी लैंग्वेज देख के,
बच्ची से पूछते तो बच्ची जितना जिक्र कर सकती थी, जितना बता सकती थी, माँ बाप को बता चुकी। उसके बाद में जब शंकर के घर को जाते तो शंकर उनको दरवाजे में बंद कर देता, इन लोगों को मारता। और उसके बाद में ये जो श्री के रिश्तेदार हैं, दोस्ता हैं, ये पूरे मिलके आके उनको बाहर निकालते, रोड के ऊपर बैठ जाते, इंसाफ पूछते। और वो सिलसिला के MLA और आज जो मिनिस्टर है हमारे KT रामाराव साहब, KCR साहब के फर्जंद। और उसके बाद में ये लड़की को वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता। और दो दिन के बाद बच्ची को इमीडिएटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता। और जब जांच पड़ताल होती कि क्यों डिस्चार्ज हुए तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा। और उसके बाद में हमारे डॉक्टर राजकुमार साहब कोऑर्डिनेट करते ये विक्टिम के फैमिली को और यहां पे लेके आके नीलेफर हॉस्पिटल में एडमिट कराते। और आज मैं जब ये विक्टिम के मां बाप से बात कर रहा था और मैं पूछ रहा था कि आपकी मांग क्या है, और वो क्लियर कट ये बात बोले कि जो भी ये हैवान और शैतान है, इसको अंडर ट्रायल होना, इसको बेल नहीं मिलना, फास्ट ट्रैक कोर्ट डालना और इसको हैंग करना, हमारे को फिर ऐसी घिनौनी हरकत कोई किसकी बेटी बहन के साथ नहीं करना, हमारी बेटी को इंसाफ दिलाओ। तो आज कांग्रेस पार्टी से फिरोज खान बराबर उनके फैमिली मेंबर्स को वादा करें कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खेलेंगी और किसी हालत पे गवर्नमेंट पे दबाव डाल के अंडर ट्रायल करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट डालेंगी और जो भी विटनेस है उनको मजबूत करेंगी, और जो भी पुलिस चार्जशीट फाइल करेंगी उसके अंदर हम हमारा वकील लगाएंगे और देखेंगे कि चार्जशीट पे कोई गलती नहीं होना, लीगल और टेक्निकल गड़बड़ नहीं होना। क्योंकि कानून में अगर से सजा मिलना तो कदम सही चलना, तो हमारे को पुलिस से भी ये उम्मीद है कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन